जी हजरत आगे चलते हैं, जरा हैंडआउट का निकालें पेज नंबर 2। जी हजरत आगे चलते हैं, और एपी एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट कवर करने के बाद, एपी एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट या रिस्क असेसमेंट स्टेज या प्लानिंग स्टेज कवर करने के बाद, आए इसको हैंडआउट से रीड कर लेते हैं। हैंडआउट के पेज नंबर 2 पाएंगे मेरे बच्चे, लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन ऑडिट। उल्टे हाथ पे दी हुई स्टेज और राइट साइड पे उसका दिया हुआ ऑब्जेक्टिव। पहला रिस्क असेसमेंट स्टेज या स्टार्ट ऑफ द ऑडिट कहें, रिस्क असेसमेंट स्टेज कहें, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट कहें या प्लानिंग स्टेज कहें, एक बात है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी कुछ देर पहले बताई आपको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एपी हियर इज टू आइडेंटिफाई की रिस्की एंड मटीरियल आइटम्स इन द अकाउंट्स एंड देन फोकस ऑन दोज मटीरियल आइटम ड्यूरिंग द ऑडिट। एपी का स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव यह है कि हम शुरू से ही ऑडिट प्रोसीजर्स करने से पहले, यानी प्योर टीओडी करने से पहले, हम उन एरियाज को हाईलाइट कर लें जहां रिस्क या गलतियों के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ताकि हम उन्हीं आइटम्स पर फोकस करें। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एपी हियर इज टू आइडेंटिफाई की रिस्की एंड मटीरियल आइटम्स इन द अकाउंट्स एंड देन फोकस ऑन दोज आइटम्स इन द या ड्यूरिंग द ऑडिट। आगे चले नेक्स्ट स्टेज में, परफॉर्मेंस स्टेज। ड्यूरिंग द ऑडिट को परफॉर्मेंस स्टेज भी कहा जाता है, ड्यूरिंग द ऑडिट को परफॉर्मेंस स्टेज भी कहा जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एपी हियर इज टू आइडेंटिफाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल ड्यूरिंग द ऑडिट। कुछ देर पहले जब मैंने एपी स्टार्ट लिया था तो मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव एपी का है वही ऑब्जेक्टिव सब्सटेंटिव का है, क्योंकि इसी का मेथड है ये, और जो ऑब्जेक्टिव सब्सटेंटिव का है वही ऑब्जेक्टिव एपी का है। आई रिपीट, जो ऑब्जेक्टिव सब्सटेंटिव का है वही ऑब्जेक्टिव एपी का है। क्यों? क्योंकि एपी सब्सटेंटिव करने का एक मेथड है, तो उस मेथड की आ रही एप्लीकेशन कि हम ड्यूरिंग द ऑडिट एपी क्यों करते हैं, हम ड्यूरिंग द ऑडिट एपी क्यों करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एपी हियर इज टू आइडेंटिफाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स एट द असर्शन लेवल ड्यूरिंग द ऑडिट। थर्ड में है जी ओपिनियन फॉर्मेशन स्टेज। ओपिनियन फॉर्मेशन स्टेज कहें, ओवरऑल रिव्यू स्टेज कहें, कंक्लूजन स्टेज कहें, एट द एंड ऑफ द ऑडिट कहें, एक बात है। यहां पर एपी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है और ये आगे कवर भी किया हुआ है हमने, यहां सिर्फ इसका ब्रीफ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एपी हियर इज टू कंक्लूड एज टू वेदर द अकाउंट्स आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द अमाउंट्स इन द अकाउंट्स आर रीजनेबली एंड फेयरली स्टेटेड। सवाल यह है कि जब हमने एपी स्टार्ट में कर लिया, जब हमने 4 जनवरी को ऑडिट स्टार्ट करते हुए ऑडिट के शुरू में जब हमने एपी कर लिया, जब दरमियान में एपी कर लिया, स्टार्ट में भी कर लिया, दरमियान में भी कर लिया, तो हमें एपी दोबारा एंड में करने की जरूरत क्यों है, हम एपी अब दोबारा एंड में क्यों कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव यह है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एपी हियर इज टू कंक्लूड एज टू वेदर द अकाउंट्स आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द अमाउंट्स इन द अकाउंट्स आर रीजनेबली एंड फेयरली स्टेटेड। जिस तरह मैंने एपी एट द स्टार्ट समझाया है, इसी तरह मैं आपको एपी एट द एंड क्यों करते हैं उसकी लॉजिक भी दूंगा। हजरात ये हमने क्विकली कवर किया, 5 नंबर का सवाल बन सकता है। डिफाइन एपी एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस वेयर एपी कैन बी परफॉर्म बाय द ऑर्डर। तो जवाब इसका क्या है, हम एपी कर सकते हैं स्टार्ट में, उसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, एपी करते हैं ड्यूरिंग में, उसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और हम एपी करते हैं एंड में और उसका हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव। आगे चलते हैं, और अब मैं कवर करने जा रहा हूं एपी की एग्जांपल्स। अब हम कवर करने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ एपी। आप ये समझें कि इस पूरे टॉपिक की जान है ये कि एपी की एग्जांपल्स क्या हैं। अगर बिफोर आई स्टार्ट अगर मैं क्लियर करूं, जब हमने आइजा 500 का हैंडआउट पढ़ा था, जब हमने आइजा 500 का हैंडआउट पढ़ा था, अगर आप याद करें तो उस हैंडआउट के अंदर जहां कायरो दिए हुए थे वहां एपी की एग्जांपल्स मौजूद थी। जरा हैंडआउट भी निकाल लें तो वहां से 8-9 एग्जांपल्स को रिकॉल कर लें। अब हम कवर करने जा रहे हैं एपी की एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइजा 500 का हैंडआउट निकालें। हमने जब आइजा 500 पढ़ा था, जब हमने कायरो पढ़ा था, तो कायरो के एग्जांपल्स में एपी मौजूद था, और उस एपी को पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि इसकी 8 या 9 एग्जांपल्स हैं, 8 या 9 एग्जांपल्स हैं, और मैंने उस टाइम बताया था कि यार हम आगे जाके इसको एज ए सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, तो एग्जांपल्स दोबारा रिपीट होंगी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब मैं आपको बताऊंगा एपी की एग्जांपल्स। जब तक आप जरा हैंडआउट निकालें आइजा 500 का, उसमें कायरो दिया हुआ है, ऑडिट प्रोसीजर दिए हुए हैं, उसमें एपी के जाके एग्जांपल्स पढ़ लें एंड विल मूव फॉरवर्ड। और अब हम कवर कर रहे हैं एपी की एग्जांपल्स।